आज मैं अभिषेक, आपका मैथ्स मित्र, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर 6 के साथ हूँ। और आज हम अपने वर्ल्डिंग प्रॉब्लम्स के न्यूमेरिकल्स को कंटिन्यू करेंगे और हम डिफरेंट टाइप्स के और वर्ल्डिंग प्रॉब्लम्स को आज देखेंगे। तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन, कह रहा है द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। 8 years hence, the age of man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find their present ages. तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि पूरे क्वेश्चंस में कितने लोगों की बात हुई है। तो जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो यहाँ पे एज ऑफ मैन, मैन की बात हो रही है और इसी के साथ साथ में सन की बात हो रही है। तो जब भी एज प्रॉब्लम की क्वेश्चन होगी तो हम लोग क्या करेंगे, जितने लोग भी होंगे उनकी प्रेजेंट एज को कुछ ना कुछ हम मानेंगे। तो सबसे पहले हम इनकी कुछ प्रेजेंट एज आज मानते हैं। तो हम ले लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स एंड सन बी वाई। हमने माना कि जो मैन है उसकी प्रेजेंट एज एक्स है और सन की प्रेजेंट एज वाई है। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, चीज़ों से अपनी इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। तो देखिए बच्चों, तो पहला ही क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है वो कह रहा है द एज ऑफ मैन, मैन की एज, तो मैन की एज क्या है आज एक्स, इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। कह रहा है कि जो मैन की एज है वो 2 times है सन की एज के स्क्वायर्स के। तो वाई बराबर 2x, वाई बराबर सॉरी एक्स बराबर 2y² हुआ। ये हमारी हो गई बेटा फर्स्ट इक्वेशन। फिर कह रहा है 8 years हेंस, 8 year हेंस मतलब 8 साल बाद द एज ऑफ मैन। देखो बेटा, अगर किसी की एज आज एक्स है तो 8 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एट। अगर आज आप 10 साल के हो तो 8 साल बाद कितने हो जाओगे, 18 years के। तो वही चीज़ है, प्रेजेंट एज में 8 years को हमने जोड़ दिया। कह रहा है कि अगर 8 साल बाद की बात करें द एज ऑफ मैन, तो 8 साल बाद मैन की एज हो गई एक्स प्लस एट, विल बी जो कि बराबर हो जाएगा, विल बी 4 year मोर देन, 4 साल ज़्यादा होगा देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। तो भाई सन की भी तो एज में 8 years का इंक्रीमेंट होगा और उसका 3 times और उसमें भी 4 years ज़्यादा। ठीक, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करें बेटा, हमको फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई मिली हुई है। तो हम करेंगे पुट इक्वेशन 1 in 2। ठीक, तो ये हो गया 2y² + 8 = 3y + 24 + 4। ठीक, इसको हमने और सॉल्व किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 2y² - 3y - 20 = 0। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा कि ये हो गया 2 और 20, मतलब y² का कोफिशियंट 2 और कांस्टेंट टर्म -20 का मल्टीप्लिकेशन होता है -40। तो हम माइनस को छोड़ के 40 का जब फैक्टर करेंगे तो उनके जो नंबर्स आएंगे उनके थ्रू हमको 2 नंबर्स बनाने होंगे, जैसे कि हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग में अभी तक करते आए हैं। तो वही चीज़ यहाँ करने जा रहे हैं। तो हमारा जो फैक्टर होगा बेटा, वो फैक्टर हमारा यहाँ पे हो जाएगा -8y + 5y - 20 = 0। ये हमारे फैक्टर हो गए। इस तरह से हम नंबर को निकाल लेंगे, पता होगा आप लोग को, बताया है। अब पहले के 2 नंबर्स में से हमने 2y को कॉमन लिया क्योंकि वहाँ से कॉमन आ रहा है, तो बचा y -4
प्लस फाइव हमने कॉमन लिया, इधर से आया वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से हमारी चीज़ें आई वाई माइनस फोर, देन टू वाई प्लस फाइव इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, कोई दिक्कत? तो बेटा अब हम क्या करेंगे, देयर इफ अगर हम y माइनस फोर को ज़ीरो के बराबर रखें तो हमारी y की वैल्यू हो गई फोर, और अगर हम टू वाई प्लस फाइव को ज़ीरो के बराबर रखें तो हमारी y की वैल्यू हो गई माइनस फाइव बाई टू। भाई कभी भी किसी की एज निगेटिव में होती है? नहीं। तो ये y बराबर आंसर नहीं होगा, केवल y बराबर फोर होगा। ठीक, तो हमको दोनों की ही प्रेजेंट एज निकालनी है, तो y आ गई। अब हम क्या करेंगे, पुट y बराबर फोर इन वन, देन x इज इक्वल टू 32। मतलब कि बेटा देयर फोर एज ऑफ मैन इज इक्वल टू 32 ईयर्स, मतलब कि जो मैन है वो 32 ईयर्स के हैं, और एज ऑफ सन जो है वो है 4 ईयर्स। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है वो एज प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ बॉयज एज इन ईयर्स 5 ईयर्स अगो एंड हर एज 8 ईयर्स लेटर इज 30। ठीक, फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो भाई हमने बोला ना कि कितने लोग की पहले बात कर रहा है एज प्रॉब्लम में, ये पता होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जितने लोग की बात हो रही है उनकी प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो केवल बॉय की बात हो रही है, तो बॉय की प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी कुछ ना कुछ। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ बॉय बी एक्स, बॉय की प्रेजेंट एज हो गई हमारे पास एक्स। अब देखो देयर फोर एज ऑफ बॉय 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले बॉय की एज कितनी रहेगी? अगर आज कोई 10 साल का है तो 5 साल पहले कितने का रहा होगा? 5 साल का, क्योंकि 5 साल पहले की बात होगी तो 10 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। अगर हम बोलें आज से 4 साल बाद उसकी एज कितनी होगी, अगर आज वो 10 साल का है तो 4 साल बाद कितने का हो जाएगा? 14। तो 4 साल बाद में ऐड कर दोगे और पहले में सब्ट्रैक्ट। तो वही चीज़ है बेटा, प्रेजेंट एज अगर आज एक्स है तो 5 साल पहले एक्स माइनस फाइव हो जाएगी, और एज ऑफ बॉय 8 ईयर्स लेटर 8 साल बाद एक्स प्लस 8 हो जाएगी। ठीक, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोडक्ट जो है 5 साल पहले और 8 साल बाद का वो 30 है, मीन्स एक्स माइनस फाइव और एक्स प्लस 8 की वैल्यू 30 है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 इज इक्वल टू 30। हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हम लगाएंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 7x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से x कॉमन आया तो बचा x प्लस 10, नेक्स्ट में से 7 कॉमन आया देन x प्लस 10 सेकेंड ब्रैकेट में, तो यहाँ से हमको मिला x प्लस 10 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम बेटा x प्लस 10 को 0 रखेंगे, और एक बार हम x प्लस 10 को 0 के बराबर रखेंगे तो
हमको मिलेगा एक्स इज इक्वल्स टू -10। तो भाई कभी भी किसी की एज निगेटिव होती नहीं है, कैंसिल, ठीक। और अगर हम एक्स -7 को 0 के बराबर रखें तो एक्स की वैल्यू 7, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देयरफोर एज ऑफ बॉय इज 7 ईयर्स। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। तो बॉय की प्रेजेंट एज हो गई 7 ईयर्स। ठीक, तो चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। इफ द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो बेटा अगर आप ये क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो जब ट्राइंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे क्या करो कि पहले एक ट्राइंगल बनाओ। और ट्राइंगल भी हमको कैसा बनाना है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट करना है, तो हम एक रफली में राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। तो ये रहा बेटा हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पे हमको पता है जो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज होती है वो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल बी एक्स। हमने शॉर्टेस्ट साइड मानी एक्स, तो हमने मान लिया ये शॉर्टेस्ट साइड है भाई। ठीक, अब वो कह रहा है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक, तो अब हम मान लें कि जो हमारी हाइपोटेन्यूज है बेटा, हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे लिए हो गई शॉर्टेस्ट साइड से 6 मोर, और शॉर्टेस्ट साइड का 2 टाइम्स से 6 मोर। तो 2x+6 ये हो गई हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक, हम थर्ड साइड, तो हमारी थर्ड साइड जो हो जाएगी बेटा, वो थर्ड साइड हमारी क्या हो जाएगी, वो कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज से 2 लेस देन है, मीन्स 2x+4 होगी कि नहीं। मतलब ये वाली साइड 2x+4 और ये साइड 2x+6। हम जो क्वेश्चन लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफोर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2x+4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x+6 का होल स्क्वायर। तो अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x² प्लस 16x इज इक्वल्स टू 4x² प्लस 36 प्लस 24x। ठीक, कोई दिक्कत। तो अब देखिए बच्चों क्या होगा, ये 4x² से 4x² हमारा कैंसिल आउट हो गया। हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो ये हो जाएगा x² 24x इधर आएगा 16 के साथ तो बचेगा -8x, 36 इधर आएगा 16 के पास तो -20 इज इक्वल्स टू 0। अब हम लगाएंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² -10x प्लस 2x -20 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टू में से बेटा हमारा x कॉमन आ जाएगा, मिलेगा x -10 प्लस 2 कॉमन आ गया, देन x -10 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये हो गया हमारा x -10
देन एक्स प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार एक्स माइनस टेन को जीरो के बराबर रखेंगे तो यहाँ से हमको वैल्यू मिली एक्स इज इक्वल्स टू 10। और अगर हम एक बार एक्स प्लस टू को जीरो के बराबर रखेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स बराबर माइनस टू। क्या कभी कोई भी साइड आपने निगेटिव में देखी है? नहीं, तो एक्स बराबर माइनस टू नहीं होगा हमारा आंसर, हमारा एक्स बराबर हो जाएगा 10। तो हमारी तीनों साइडों को निकालना है, देयरफॉर शॉर्टेस्ट साइड जो हो गई बेटा वो हो गई 10। ठीक, हाइपोटेन्यूज था 2x+6 दैट इज 26, और थर्ड साइड जो हो गई वो हो गई 2x+4 विच मीन्स 24। तो हमारी तीनों साइडें आ गई। ठीक, कोई दिक्कत? तो चलते हैं बच्चों हम अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा बच्चों हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है अ मैन बायज अ नंबर ऑफ पेन्स फॉर ₹80। इफ ही हैड ब्रॉट फोर मोर पेन्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹1 लेस। हाउ मैनी पेन्स डिड ही बाई? तो देखो भाई, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई आदमी है, उसने कुछ पेन लिए ₹80 में, तो वो कुछ पेन क्या है उसको आपको लेट करना पड़ेगा। तो हम करेंगे लेट कि टोटल नंबर ऑफ पेन बी एक्स एक्स पेन उसने टोटल लिए। ठीक, अब देखिए, देयर फोर कॉस्ट ऑफ एक्स पेन इज इक्वल्स टू ₹80। भाई एक्स पेन की जो कॉस्ट है वो ₹80 है। ठीक, तो कॉस्ट, देयर फोर कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल्स टू ₹80 अपॉन एक्स। ठीक, कोई दिक्कत? अगर ₹80 में एक्स पेन लिए हैं तो एक पेन की कीमत एट्टी अपॉन एक्स हो जाएगी। अब देखो भाई, चार पेन और उसने ले लिए, एक्स के साथ चार पेन और लिए, तब भी उसने कितने रुपए में लिए? ₹80 में। तो कॉस्ट ऑफ एक्स प्लस फोर पेन्स इज इक्वल्स टू ₹80, देयर फोर कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल्स टू ₹80 अपॉन एक्स प्लस फोर। ठीक, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहा है कि जब उसने नंबर ऑफ पेन्स लिए कुछ ₹80 में, ठीक, पहले उसने बाई किए कुछ पेन ₹80 में, इफ ही हैड ब्रॉट फोर मोर पेन फॉर द सेम अमाउंट, ईच पेन वुड हैव कॉस्ट हिम ₹1 लेस। मतलब कि जब उसने यहाँ पे पेन लिया तो उसको महंगा पड़ा होगा। भाई देखिए, एक्स पेन ले रहा है तो ₹80 में, एक्स प्लस फोर पेन ले रहा है तब भी ₹80 में, तो भाई कॉस्टिंग कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे मतलब एक पेन की कीमत जो एक एट्टी अपॉन एक्स है वो ज़्यादा होगी एट्टी अपॉन एक्स प्लस फोर से, तो तभी तो डिफरेंस पता चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एट्टी अपॉन एक्स ग्रेटर अमाउंट है देन एट्टी अपॉन एक्स प्लस फोर से, तो इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है ₹1। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 80x+32 320 -80x/(x²+4x)=1। ठीक, कोई दिक्कत? अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 80x से 80x कट गया, बचा बेटा 320 इज इक्वल्स टू x² + 4x। अब जब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x²
4x -320 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 और वो मल्टीप्लाई होगा 320 से, विच मीन्स -320 से, तो -320 आएगा। हम माइनस को भूल जाएंगे, केवल 320 का हम क्या कर दें फैक्टर, तो 2 160 20 10 5 5। ठीक, अब देखिए, अब हमको यहाँ से नंबर्स क्रिएट करने हैं, तो नंबर्स कैसे क्रिएट होंगे चलिए देखते हैं। अगर हम देखिए, फर्स्ट 4 2 ले ले फर्स्ट 4 टाइम्स 2 ले ले, तो 16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20। हमको चाहिए प्लस का 4, तो ये प्लस का नंबर, ये माइनस का, मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 320 और प्लस माइनस करने पे प्लस का 4, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 20x -16x -320 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट टू में से x कॉमन मिला, x प्लस 20 -16, देन x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब ये हो जाएगा x प्लस 20 x -16 बराबर 0, तो विच इम्प्लाइज दैट अगर हम x प्लस 20 को 0 के बराबर रखें तो हमारी वैल्यू आएगी x बराबर -20। तो पहली बात, टोटल नंबर ऑफ पेंस की बात है x, तो कभी भी -20 होगा नहीं। ठीक, फिर हम लेंगे x -16 बराबर 0, तो x की वैल्यू 16, मीन्स हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेंस कितने हैं 16। देयर फोर टोटल नंबर ऑफ पेंस आर 16। ठीक, कोई दिक्कत, तो चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। ठीक, देयर एरियाज बीइंग इक्वल फाइंड देयर डायमेंशन। तो देखिए, अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फिगर्स की बात हो रही है, एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर की, तो हमको इनके डायमेंशंस को कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। तो हम लेट करते हैं, पहले लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी ए। हमने मान लिया कि जो साइड है स्क्वायर की वो ए है। ठीक, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एल एंड बी रिस्पेक्टिवली। ठीक, तो जो रेक्टेंगल है उसकी लेंथ है एल और जो उसकी ब्रेथ है वो है बी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखें, अपनी लैंग्वेज को फिर से एक बार पढ़ते हैं। तो हमसे कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की लेंथ है एल, इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइज ऑफ द स्क्वायर। मतलब कि जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 3 टाइम्स है स्क्वायर के साइड के, विच मीन्स 3 है, कोई दिक्कत। फिर हमसे कह रहा है, अभी हमने इक्वेशन नहीं बनाई, अब हमसे कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर, मीन्स साइड ऑफ अ स्क्वायर मीन्स ए, इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल। मतलब कि जो साइड है स्क्वायर की वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है रेक्टेंगल के ब्रेथ से, ब्रेथ से, तो बी प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम देखें ए की वैल्यू, अगर हम यहाँ पे रखें तो ये हो जाएगी 3 टाइम्स b + 4, तो ये हमको मिला एल इज इक्वल्स टू 3b + 12, कोई दिक्कत।
कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, अब हमसे कह रहा है बेटा कि देयर एरियाज बीइंग इक्वल, ठीक, तो अब क्या होगा, देयर फोर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा होता है एल इन टू बी, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, दैट इज ए का स्क्वायर। तो एल की वैल्यू हो गई बेटा 3b+12, और बी तो बी ही रहेगा हमारा, और ए हो गया b+4 का होल स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो अब हमारे पास आ जाएगा 3b² + 12b = b² + 16 + 8b, ठीक, कोई दिक्कत। अब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2b² + 4b - 16 = 0। 2 और -16 का मल्टीप्लाई -32, बट हम माइनस को निगलेक्ट करके केवल 32 का फैक्टर करेंगे, तो ये मिला हमको बेटा 4। तो अब हम कैसे बना सकते हैं, 8 × 4, एक बार ये हो गए 3, 8, और ये हो गए 4। हमको चाहिए प्लस का, तो बड़ा वाला नंबर प्लस, छोटा नंबर माइनस, तो ये हो जाएगा 2b² + 8b - 4b - 16 = 0, ठीक। अब हम फर्स्ट टू में से अगर कॉमन लें तो 2b हमारा कॉमन आया, आया b+4, -4 कॉमन लिया तो b+4 = 0, और ये आ गया 2b-4 और b+4 = 0। अगर हम क्या करें कि 2b-4 को अगर 0 के बराबर रखें तो हमको b बराबर मिलेगा 2, और अगर हम b+4 को 0 के बराबर रखेंगे तो हमको b मिलेगा -4। कभी भी वृत्त को निगेटिव में देखा है नहीं, तो ये गलत हो गया, तो b हमारा आ गया बेटा 2, ठीक। अब देखो l बराबर, दियर फोर l इज इक्वल्स टू 3b+12, विच मीन्स 18, विच इम्प्लाइज दैट l इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर या मीटर, जो भी यूनिट होगी वो आप देख लो, ठीक, सेंटीमीटर में है यूनिट, ठीक। और a बराबर हमारे पास था b+4, विच मीन्स a बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक, b बराबर 2 सेंटीमीटर, तो हमारे तीनों ही डायमेंशंस आ गए हैं, ठीक। कोई दिक्कत आप लोगों को, अगर कोई भी बच्चों आप लोग को दिक्कत हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक। आपको व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या मेरी इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो करके वहाँ पे भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, आईडी आपको लास्ट वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।